हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक बढ़िया सी रेसिपी लेकर। तो आप देख सकते हैं को कैसी लग रही है ये बढ़िया वाली। तो ये हमने आज बनाई है फिश फ्राई। तो किस तरह से बनानी है इतनी स्वादिष्ट फिश फ्राई, तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना रहेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल मेरी रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उसमें प्रेस कीजिए, और बाजू में बेल आइकन आया होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपीज के वीडियोस आपको दिखने मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फिश फ्राई। तो हमने आज फिश फ्राई बनाने के लिए ये छापरी ली है सीर फिश। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हमें इसको वॉश कर लेना रहेगा, हमने उसको पहले से वॉश कर ही लिया है। तो अब हमें इसको अच्छी तरह से काट लेना है, पीसीस बना लेते हैं हम इसके। तो हम ये नाइफ लेंगे और ऊपर से इसको ऐसे इसके काट लेंगे थोड़ा। तो उसको काट लेने के बाद हमें इसके सिर के साइड से थोड़ा काटना रहेगा, इस तरह से वहां से हमने काट लेना है। और फिर उसकी पीछे से टेल काटनी है पूंछ को। तो ये सभी साइड से हमें काट लेने के बाद सेंटर साइड में से काटना रहेगा। फिर उसको बीच में से काटना रहेगा ऐसे। तो ये आप देख रहे हो कि इसे आप बहुत आसानी से काट सकते हो, जैसे हम काट रहे हैं इसी स्टेप वाइज आप काटोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको काटने में, बहुत आसानी से हो जाएगा। इस तरह से आपको सभी काटते जाना रहेगा। अब ये दूसरा पीस जो हमने रहता था उसको भी सेंटर में से काट लेते हैं, इसके ऐसे दो पीस कर देने रहेंगे हमें। तो ये आप देख सकते हैं हमारे ये पीस हो चुके हैं रेडी। तो ये हमने 5 पीसेस बनाए हैं। तो आप इसमें से चाहे तो ज़्यादा पीसेस भी कर सकते हैं, हम आपको अभी दिखा देते हैं इससे भी हम कितने छोटे कर सकते हैं एक पीस में से करके। तो ये देखिए, ये हमने एक पीस लिया है उसमें से अभी हम इसमें से ऐसे 2 पीसेस कर सकते हैं। छोटा पीस आपको करने हो तो ये ऐसे कर सकते हैं हम इससे भी छोटे। तो इस तरह से आपको छोटे रखने हो सभी छोटे भी रख सकते हैं। और ये हमने जो निकाला था वो सभी वेस्ट है। तो ये हमारा फिश कट हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसको फ्राई करने की ओर। तो अब हमें फ्राई करने से पहले इसको एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लेना रहेगा। तो ये हमें एक बड़े से बर्तन में पानी लेके उसमें इसको डुबा देना है और इसको वॉश करते करते निकाल लेना रहेगा। इसे अपने हाथों से इसे वॉश कर लेना है, इसके बाद एक प्लेट में निकाल ले जाएंगे हम सभी पीसेस को। इस तरह से हम सारे पीस को वॉश कर लेते हैं। तो अब हमें फ्राई करने के लिए सबसे पहले उसकी लिए पेस्ट बनानी रहेगी। तो पेस्ट बनाने के लिए हमें एक बड़ा सा एक बाउल लेना रहेगा।
तो उसमें हम ये हमने एक पेस्ट बना के रखी है रेडी। ये हमने अदरक और जीरा और लहसुन की पेस्ट बनाई है हमने 4 टेबलस्पून। वो आपको पहले रेडी कर लेनी रहेगी। उसके बाद हमें इसमें हल्दी डालनी रहेगी 1/2 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरा जीरा पाउडर 2 टेबलस्पून। उसके बाद हमें ऐड करना है चिली पाउडर 2.5 टेबलस्पून। और अब हम ऐड करेंगे नींबू का जूस 2 टेबलस्पून, वो भी हमने पहले से निकाल के रखा है। और नमक हमें स्वाद अनुसार डालना रहेगा। जो आपकी जितनी क्वांटिटी हो उस अनुसार आप ऐड कर सकते हैं नमक को। तो नमक ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना रहेगा। तो एक बढ़िया सा पेस्ट रेडी कर लेना है। इसे अपने हाथों से ही मिक्स हम करेंगे। हाथों से जो हम करते हैं तो इससे हमें बहुत बढ़िया टेस्ट मिलता है। तो लीजिए, ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। तो अब हमें जो हमने फिश के पीसेस बनाए थे वो एक एक करके हमें लेने रहेंगे। और ऐसे आपको करना रहेगा, एक हाथ में हमें एक पीस को उठाना है और दूसरे हाथ से अपने जो हमने पेस्ट रेडी किया है उसको सारे पीस पर लगा देना रहेगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये लगाना रहेगा। तो इसी तरह से हमें सभी पीसेस पर लगा देना है दोनों साइड पर। तो ये हम सभी पीसेस को इसी तरह से एक हाथ में पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से इसमें लगाते जाएंगे। तो अब हम सभी पीसेस को कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। और इसको एक प्लेट में हम साइड में रखते जाएंगे। तो लीजिए, ये हमारे सभी पीसेस में अच्छी तरह से लग चुका है पेस्ट। तो अब हमें एक कढ़ाई में तेल लेना रहेगा। तो ये लीजिए, हमने एक कढ़ाई में तेल भी ले लिया है और ये गर्म भी हो चुका है। ये हमें 4 टेबलस्पून लेना रहेगा। तो अब ये गर्म हो चुका है, तो चलिए फ्राई कैसे करना है वो आपको दिखा देते हैं। तो अब हमें एक एक पीस इसमें ऐड करना रहेगा। इस तरह से आपको ऐड कर देना रहेगा। और थोड़ी देर से इसको फ्राई होने देना है एक साइड के लिए। तो हमें इसको फ्राई करते वक्त इसकी फ्लेम को खुली रखना रहेगा, तो ही वो अच्छी तरह से फ्राई होगी, वरना अच्छा टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। स्लो फ्लेम में, मीडियम फ्लेम में भी ऐसे चीजें नहीं होगा ये। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, फुल फ्लेम में ही करना रहेगा। तो अभी हमने फ्राई में डाला है इसको, 2 मिनट जैसा वक्त हो चुका है। तब हमें इसको पलट देना रहेगा। तो इस तरह से आपको पलटना रहेगा इसको। अगर आपने 2 पीस ऐड किए हो तो दोनों को पलट दीजिएगा। और भी उसको भी हम 1 से 2 मिनट तक हम पकने देंगे दूसरी साइड पर। तो ये देख सकते हैं आप, एक साइड पर ये गैसी पक चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी पका लेंगे। तो अब ये हम पलट के इसको चेक कर लेते हैं दूसरी साइड पर हो चुकी है या नहीं। और आपको दिखा देते हैं उसको किस तरह की रखी है।
तो ये आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउनिश रंग की हो चुकी है। तो ऐसे होने तक आपको इसमें फ्राई करना रहेगा। तो ये हमारी हो चुकी है। तो ये हम दो पीस को निकाल लेते हैं और दूसरी भी इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरी को भी फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हम उठा के प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा गोल्डन ब्राउनिश रंग हो चुका है। तो ये लीजिए हमारे सभी पीसेस फ्राई हो चुके हैं। तो अब हमें इसके साथ सर्व करने के लिए पेस्ट जो हमने वो रेडी किया था उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। जो ये जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो बचता है, उसको हमें फ्राई करना है और उसको फिर साथ में सर्व करना रहेगा। तो चलिए कैसे फ्राई करना है दिखा देते हैं। सो हमने फिश को फ्राई किया है, उसी तेल में हमें इसको भी फ्राई कर लेना है। तो ये तेल है जो हमारा फिश को फ्राई किया हुआ, उसी में हमें ये सारा पेस्ट डाल देना रहेगा और इसको इसी तरह से हिलाना रहेगा। इसे हमें कंटिन्यूस हिलाते रहना रहेगा। तो ये हमें इसको ऐसे हिलाते रहना रहेगा जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए। इसमें आपको तेल कम पड़े तो आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आपकी क्वांटिटी अनुसार आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं तेल को भी। तो लीजिए ये हमारा पेस्ट भी रेडी हो चुका है फ्राई होके। तो ये देख सकते हैं आपको इस रंग का करना रहेगा, डार्क ब्राउन ब्राउनिश रंग जैसा वो हो जाए तब तक ऐसे फ्राई करना है इसको। तब इसको भी हम निकाल लेते हैं और सर्व करके आपको दिखा देते हैं। तो लीजिए हमने एक प्लेट में सर्व कर दिया है। ये आप देख सकते हैं ये हमने फिश को ऐसे फ्राई किए हुए एक रखे है तीन, और ये साइड में हमने जो पेस्ट फ्राई किया था वो भी रेडी हो चुका है। और ये हमने थोड़े कांदा और नींबू ऐसे रख दिया है। इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। और ये फिश फ्राई बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, जरूर से ट्राई कीजिए घर पे, बहुत मजा आएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक और शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब जरूर करें अभी तक आपने नहीं किया है तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।